हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। महजय सर आप लोगों के बीच। साथियों एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट साथियों कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पर प्रश्न लेकर, जैसे कि आप लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला से देख रहे थे तो जो वन लाइनर था साथियों, वो वन लाइनर क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो अब हम लेके आए MCQs। क्या लेके साथियों? उसका MCQs लाए जिसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा साथियों। तो आज हम आपको आपके बीच लेके आए हैं मात्र 35 प्रश्न। इसका जो सेकंड वीडियो होगा वो कल बन जाएगा। तो आज 35 प्रश्न वीडियो बना के लाए हैं साथियों। उम्मीद है कि ये जितने भी प्रश्न प्रागैतिहासिक चित्रकला से आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए साथियों। तो जैसा कि जो भाई बहन अभी उस वीडियो को प्रागैतिहासिक का जो वन लाइनर था साथियों नहीं देखेंगे तो हमारे प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, तो वहाँ से बहुत सारा वीडियो है तो वहाँ से देख लेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला का। और ये जो है बहुविकल्पी अब हम यहाँ MCQs चालू किए हैं साथियों। तो MCQs में प्रागैतिहासिक चित्रकला का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो चलते हैं, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? कह रहा है कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक, देख रहे हैं क्या करना है, भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद से, मिर्ज़ापुर से, भीमबेटका से या उपरोक्त सभी में से? तो देखिए आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर होता है। कमेंट जरूर आप लोग साथियों करते रहिए, जैसा आपको वीडियो लग रहा हो, जो आंसर आपका सही हो उसको आप करें, यहाँ पे कमेंट करते रहिए, साथ साथ चलते रहिए। आपको हम लोगों का भी मोटिवेट होते रहेंगे, आप भी का मनोबल बढ़ता रहेगा साथियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, घा। यहाँ उपरोक्त में से तीनों जगह जो आपका है सही हो जाएगा। होशंगाबाद से भी मिलते हैं, मिर्ज़ापुर से भी मिलते हैं, भीमबेटका से भी मिलते हैं। अगला, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएँ प्राप्त हुई हैं? कह रहा है कि जो भीमबेटका है साथियों, ये भीमबेटका क्या है, पहाड़ी है। क्या है, सबसे पहले तो समझिए पहाड़ी है। कह रहा है कितनी गुफाएँ यहाँ से मिली हैं, प्राप्त होती हैं, 30, 750, 285। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? तो भीमबेटका नामक पहाड़ी में जो गुफाएं प्राप्त होती हैं साथियों, कितना यहाँ पे हो जाएगा, 750। कितना हो जाएगा गुफाएं, 750 गुफाएं। खा वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन के अनुसार खा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला तीसरा है, भीमबेटका क्या है साथियों? कह रहे हैं कि भीमबेटका क्या है, नगर है, पहाड़ी है, जंगल है या मंदिर? अभी ऊपर हमने प्रश्न में चर्चा किया था कि भीमबेटका क्या है। तो यहाँ पे जो भीमबेटका होगा, बताइए आप कमेंट करिए भीमबेटका क्या है साथियों। तो भीमबेटका जो है क्या है, पहाड़ी है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, भीमबेटका शैलश्रय कहाँ पर स्थित है? कह रहा है कि जो भीमबेटका है साथियों, भीमबेटका शैलश्रय एक कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या बिहार में है? तो फिर एक बार मैं आप लोगों को फिर ये जो टीजीटी पीजीटी का आर्ट का जो सिलेबस एक बार फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, पुनः से स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों, जिसमें से आप प्रागैतिहासिक चित्रकला का वन लाइनअप देख चुके हैं। अभी MCQs क्वेश्चन चल रहा है साथियों। तो चौथे क्वेश्चन पर बैठे, आज MCQs का फर्स्ट वीडियो है, कल सेकेंड वीडियो इसका आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तो चलता हूँ, यहाँ पर देखिए, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, बिहार होगा। तो कहाँ पर है भीमबेटका शैलश्रय स्थित, चार नंबर देखें। तो चार नंबर के यहाँ जो राइट आंसर होगा, भीमबेटका शैलश्रय कहाँ पर स्थित है, तो इन चारों ऑप्शन में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और बिहार में। तो भीमबेटका साथियों कहाँ है, मध्य प्रदेश में है आपका। अगला है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? कह रहे हैं कि भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की, श्री रायकृष्ण दास ने, नंदलाल बोस ने, रामचंद्र शुक्ल, श्री VS वाकड़कर ने? तो भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका की खोज किसने किया था साथियों, तो पांच नंबर पर देखें, तो पांच नंबर के यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका वो घा हो जाएगा, VS वाकड़कर महोदय ने भीमबेटका की खोज की थी। अगला, भीमबेटका गुफा की खोज हुई, कह रहा है कि भीमबेटका जो गुफा है इसकी खोज कब हुई, किस सन में हुई, 1955 में, 1958 में, 1959 में या 1971 में? तो छः नंबर पर देखेंगे साथियों, तो छः नंबर के यहाँ जो राइट आंसर होगा, भीमबेटका की जो खोज हुई थी वो आपका 1958 हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भीमबेटका में कौन सा चित्र है साथियों? क्या कर रहा है कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हैं, बौद्ध के चित्र हैं, जैन धर्म से संबंधित चित्र हैं या ईसाई धर्म से संबंधित चित्र हैं भीमबेटका में साथियों? तो भाइयों यहाँ पे जो भीमबेटका में जो चित्र मिलेगा वो आपका
प्रागैतिहासिक संबंधित क्षेत्र हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल से, तो यहाँ पे का वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि भीमबेटका से जो शैल चित्र मिले हैं उनमें सबसे अधिक क्या कह रहा है, सबसे अधिक कौन सा रंग का प्रयोग हुआ है। तो लाल रंग का हुआ है, पीला रंग का हुआ है, हरा रंग का हुआ है या बैंगनी रंग का हुआ है ना? तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा साथियों। तो यहाँ पे जो होगा भीमबेटका शैल चित्र में जो सबसे अधिक रंग का प्रयोग हुआ है वो आपका कौन सा रंग होगा, लाल रंग, लाल या गेरुआ रंग। कौन सा रंग होगा, लाल या गेरुआ रंग। तो यहाँ गेरुआ नहीं तो यहाँ लाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका बहुत छोटा हो गया साथियों, बड़ा होगा क्या है। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं। क्या कह रहा है, भीमबेटका के जो चित्र हैं अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं, फर्श पर, दीवार पर, छत पर, मुड़ेरों पर या गुफाओं के द्वार पर। तो भीमबेटका के जो चित्र हैं ये अधिकतर कहाँ पर बने हुए मिलते हैं साथियों। तो यहाँ 9 नंबर पर देखेंगे आप लोगों का जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रगति चित्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए साथियों। वैसे हम जो वन लाइनर में पढ़ाए हैं वो आप लोगों को समझ में होगा और इसका प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका खा हो जाएगा, दीवार व छत पे बने हुए हैं भीमबेटका के चित्र। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। कह रहा है कि जो भीमबेटका है ये किस शहर के पास है स्थित है, मिर्जापुर के पास है, रायपुर के पास है, इंदौर के पास है या भोपाल के पास है। तो 10 नंबर पे देखें तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जो भीमबेटका है किस शहर के पास स्थित है। तो कोई आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये एमसीक्यू चल रहा है, इसका जो वन लाइनर क्वेश्चन है हम आपको पूरा विद्वत पढ़ा चुके हैं पूरी प्रगति चित्रकला। तो उम्मीद है कि यहीं से प्रश्न बनेगा, यही सब आएगा आप लोगों को तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो 10 नंबर पर आप देखें आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, भोपाल ना। भीमबेटका किस शहर के पास है, तो भोपाल के पास है साथियों। अगला है आपका भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है। कह रहा है कि भीमबेटका की जो शिला है, जो उत्कीर्ण शिलाओं पर जो पत्थरों पर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं उसका समय पूछ रहा है अवधि साथियों क्या है। तो नियोलिथिक है, मोसोलिथिक है, पालियोलिथिक है या चैलोकोलिथिक है। तो 11 नंबर पर देखेंगे तो 11 नंबर का जो आपका राइट होगा क्या होगा साथियों, जरूर आप कमेंट करिए फटाफट। और हाँ, कमेंट आप करना, ये 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही था जरूर कमेंट करिए। कल इसका नेक्स्ट वीडियो 35 क्वेश्चन और आप लोगों के बीच प्रगति चित्र का लेकर उसके बाद प्रगतिहासिक चित्र फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका मोसोलिथिक हो जाएगा। अगला है आपका भीमबेटका लखुनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। क्या करा है, भीमबेटका लखुनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध हैं साथियों, स्तूप के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रागैतिहासिक क्षेत्र के लिए हैं, विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं या गुफा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, भीमबेटका लखुनिया दरी पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार आप लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये आपका है। भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है। जिस प्रकार से हम लोग बताते हैं उस प्रकार से आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो इसको आप इंपॉर्टेंट या स्टार लगा के इस प्रश्न को चलिए, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया, शैलाश्रय संख्या 1 को, शैलाश्रय संख्या 2 को, शैलाश्रय संख्या 3 को या शैलाश्रय संख्या 15 को। तो भीमबेटका से संबंधित साथियों ऑडिटोरियम सभागार किस संख्या गुफा संख्या को कहा जाता है। तो 13 नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 13 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आगा गुफा संख्या 3 को, शैलाश्रय संख्या 3 को ही ऑडिटोरियम सभागार कहा जाता है, शैलाश्रय संख्या 3, गुफा संख्या 3 को। अगला, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई। कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई है किस क्षेत्र से हुई है, बनारस से, कानपुर से, मिर्जापुर से या आजमगढ़ से। तो कहाँ से हुई है भारत में प्रदेश चित्रों की खोज साथियों, तो 14 नंबर पर देखेंगे 14 नंबर का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका होगा, जो प्रदेश चित्रकला की खोज हुई थी भारत में वो हुई थी आपकी कहाँ से हुई थी साथियों, मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है आपका, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं।
कहा है कि मिर्जापुर की गुफाओं से जो सर्वाधिक चित्र बने हुए साथियों किन विषय पर वो चित्र बने हुए, आमोद प्रमोद से हैं, नृत्य से हैं, आखेट से हैं या पारिवारिक हैं। तो 15 नंबर पर देखेंगे तो 15 नंबर आपके जो MCQ का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है साथियों, इसमें हम 15 नंबर पर पहुँचे हैं, यानी कि आधे क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं, आधा ही क्वेश्चन अभी शेष बचा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका गा होगा। तो आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए साथियों, एक से बढ़ के एक प्रश्न है। तो इन सब प्रश्नों को इम्पॉर्टेंट मान के चलिए जो प्रश्न अभी आप लोगों के बीच में आ रहा है। ये सब प्रश्न कई विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर, कह रहा है कि मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं। तो श्यामल पहाड़ियों पर ये गुफा चित्र बने हुए हैं, या काबरा पहाड़ियों पर बने हैं, या पहाड़ गढ़ी पर बने हैं, या कैमूर की पहाड़ियों पर बने हैं। तो मिर्जापुर की किस पहाड़ियों पर ये प्रागैतिहासिक चित्र देखने को साथियों मिलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो कैमूर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी साथियों? कैमूर की पहाड़ी पर ही मिर्जापुर क्षेत्र की प्रागैतिहासिक काल के चित्र या गुफा मिलते हैं साथियों, कैमूर की पहाड़ी पर। अगला है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है। क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्जापुर में किस प्रदेश में है। मध्य प्रदेश पूछ लिया है साथियों, तो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में या बिहार में है। तो मिर्जापुर किस प्रदेश में, तो आपका जो मिर्जापुर होगा साथियों या आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ए वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है। कह रहा है कि जो मिर्जापुर क्षेत्र है साथियों कि मिर्जापुर जो है किन क्षेत्रों का कला केंद्र है, मध्य किन क्षेत्रों का कला केंद्र है साथियों, प्रागैतिहासिक अवधि, राजस्थान या बिहार। तो आप बताइए, आप तो पूरा सिलेबस इसका पढ़ चुके हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला आपको पढ़ा दिया गया, तो आप इसमें कमेंट करिए साथी, बताइए। चलिए आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें जो होगा साथी वो हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक, बिल्कुल सही आप बताए, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला हो जाएगा। अगला है आपका मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। ना मिर्जापुर में जो प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में जो नृत्य है, क्या कह रहा है, नृत्य दृश्य, कौन सा दृश्य, नृत्य दृश्य पूछ रहा है, नाच का दृश्य या नाचने का दृश्य किस गुफा में अंकित है। पंचमुखी में, मुखियादरी में, भंडरिया में है या लुखनिया में है, लुखनिया में है। तो नृत्य का दृश्य साथियों कहाँ पर मिलता है मिर्जापुर में, जो एक प्रागैतिहासिक चित्र है नृत्य करते हुए, तो कहाँ से दिखाया गया है। 19 नंबर पर देखेंगे तो आपका जो सही होगा साथियों लुखनी आ जाएगा। नृत्य का जो दृश्य मिला है, नाचने का जो नाचते हुए जो दिखाया गया है, लुखनिया दरी में दिखाया गया है। अगला सांभर के आखिर का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। अभी जो इसके ऊपर गया प्रश्न है इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे, ये जो नृत्य वाला है इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा के चलिए, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो मारना हो आप उसको मार लीजिए। अब इसके बाद ये जो आया है सांभर के आखेट का, सांभर के आखेट का दृश्य बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। तो गुफा पूछ लिया है लुखनिया में, भीमबेटका में, जोगीमारा में या भलढरिया में, तो सांभर के आखेट का दृश्य। तो 20 नंबर पर देखिए सांभर के जो आखेट का जो दृश्य है साथियों ये भी लुखनिया से ही मिला है। अभी जो नृत्य का दृश्य देखे ये भी लुखनिया से था, और सांभर का जो दृश्य था ये भी लुखनिया से ही मिला है साथियों। अगला पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, लंगूर यानी बंदर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है। पंचमढ़ी में हुआ है, मिर्जापुर में हुआ है, सिंघनपुर में हुआ है या भीम बेटका में हुआ। तो कहाँ पर देखने को मिलता है पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर यानी कि बंदर का चित्र। 21 नंबर है, तो 21 नंबर आप कमेंट करके बताइए साथियों। जो वीडियो को न देखे उसके पहले वीडियो दे दिया गया है प्ले स्टोर में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से और तैयारी को अपने बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद MCQ जो वहाँ पर रहेगा वहाँ से आप इस वीडियो को देखें, तो बहुत सारा वीडियो हमारे प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। तो 21 नंबर पर जो आपका हो जाएगा पेड़ पर चढ़ते हुए बंदर जो आपको दिखाया गया है साथियों, ये दिखाया गया है भीम बेटका से, कहाँ से मिलता है, भीम बेटका से। अगला है आपका पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं। पंचमढ़ी जो क्षेत्र है कह रहा है कि उसमें कितनी श्रेणियों में चित्र जो हैं विभक्त हैं, बांटे गए हैं, 2, 4, 6, 3। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन अपने आप में है, 2, 4, 6, 3 बताइए पंचमढ़ी क्षेत्र में। 22 नंबर का जो राइट आंसर है साथ यहाँ पे घा हो जाएगा। 3 श्रेणियों में विभक्त हैं पंचमढ़ी के क्षेत्र, जिसमें चित्र बटे हुए हैं, विभाजित किए गए हैं। अगला है पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों देखिए।
पंचमी में कह रहा है कि पांच गुफाओं को काट कर बनाए गए जिनके बारे में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जब पांच गुफाओं को काट कर बनाए गए पंचमी से? पांडवों का वनवास निवास स्थल, आदिमानवों का गृह, भारतीय फौज का निवास गृह या आर्यों का निवास स्थल? तो क्या कहा जाता है साथियों, जो पांडवों में पांच गुफाओं को काट कर बनाया गया तो पांडवों का वनवास निवास स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो पांडवों के निवास स्थल के नाम से। मैं 24 नंबर पर देखेंगे तो 24 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? भारत में सर्वप्रथम की बात कर दी है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, ये सभी ने। तो 24 नंबर पे जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सर्वप्रथम किसने प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की? तो अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था साथियों? अंग्रेजों ने। अगला है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में क्या कर रहा है? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल के या मध्यकाल के? तो होशंगाबाद क्षेत्र की बात कर रहा है कि आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। किसमें हैं? आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो कैसे चित्र हैं साथियों होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में? तो यहाँ जो चित्र आपका बनेगा साथियों कैसा बनेगा, प्रागैतिहासिक, प्राचीन काल, आधुनिक काल या मध्यकाल? तो जो चित्र आपका बनेगा वो प्रागैतिहासिक काल का बनता है यहाँ पर। अगला, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? जो होशंगाबाद है आपका, ये होशंगाबाद जो है साथियों किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद मालवा चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के या दक्कनी चित्रकला के लिए? होशंगाबाद, तो होशंगाबाद देखिए किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। 26 नंबर देखें तो 26 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा इस तीनों में से क्या आ जाएगा साथियों? शैल चित्र के लिए, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करें तो यहाँ शैल चित्र होगा। अगला है आपका जिराफ ग्रुप समूह क्या कर रहा है? जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में प्रश्न को इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। आदमगढ़ में, बाल्डरिया में, भीमबेटका में या लुखुंगी में? तो जिराफ ग्रुप का समूह पूछ रहा है, जिराफ ग्रुप का समूह का जो चित्र है कहाँ से मिलता है साथियों? ना तो 27 नंबर का जो होगा साथियों जिराफ ग्रुप का जो चित्रण हुआ है आपके आदमगढ़ से मिलता है हमको, जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से। अगला है आपका पंचमढ़ी की खोज किसने की? कह रहा है कि जो पंचमढ़ी है इसकी खोज किसने की? जी आर हंटर, आर डी बनर्जी, काकबर्न या कनिंघम महोदय? या पंचमढ़ी की खोज किसने की साथियों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न ये भी अपने आप में, देखिए स्टार लगाइए इसको। आर डी बनर्जी, काकबर्न, कनिंघम, जी आर हंटर। 28 नंबर का जो होगा पंचमढ़ी की खोज जिसने की थी उनका नाम है जी आर हंटर महोदय। क्या नाम है? जी आर हंटर। अगला है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? एक विशालकाय बकरी, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, चित्र किस गुफा में मिलता है? तो भंडरिया में, पंचमढ़ी में, लुखनिया में या बेलारी में? तो एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है साथियों? तो देखिए किस गुफा से मिलता है, तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा, एक विशाल का बकरी का जो चित्र मिलता है साथियों आपका पंचमढ़ी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पंचमढ़ी से। विशाल का जो बकरी का चित्र मिलता है आपका पंचमढ़ी से मिलता है। अगला, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? कह रहे कि जो पंचमढ़ी की गुफा है ये भारत के किस राज्य में है साथियों? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश या बिहार में? किस राज्य में है पंचमढ़ी साथियों? तो 30 नंबर आप देख रहे हैं, तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों आपका? खा, मध्य प्रदेश में। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है, इस चीज को देखना है। निम्न में से कौन सा एक स्थल है जो भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? हड़प्पा है, सिंघनपुर है, लोथल है या मोहनजोदड़ो? तो कौन सा वो नहीं है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सिंघनपुर, देखिए कौन सा इसमें नहीं है?
31 नंबर देखें तो 31 नंबर का जो है आपका राइट आंसर का वो खा हो जाएगा, सिंघनपुर। सिंघनपुर जो है ये अध ऐतिहासिक स्थल नहीं है, लेकिन तीन इसमें अध ऐतिहासिक स्थल हैं, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो अध ऐतिहासिक स्थल, लेकिन सिंघनपुर जो है ये प्रागैतिहासिक स्थल है। तो अध ऐतिहासिक पूछा है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया, तो उत्तर पाषाण काल के मानव, वैदिक काल के मानव, मध्य पाषाण काल के मानव या आधुनिक काल के मानव ने। तो 32 नंबर मित्र देखिए, कौन से मानव जो चित्रकला का प्रयोग किए थे, ना? तो 32 नंबर पर जो आपका राइट होगा साथियों, उत्तर पाषाण काल। क्या हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल के जो मनुष्य थे ये सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किए थे, सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल के मनुष्य। अगला है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, कहाँ की बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं कहाँ मिलते हैं, सिंघरिया में, सारनाथ में, मिर्जापुर में या अवध में। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर साथ में देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं साथियों, तो ये आपके मिर्जापुर से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, मिर्जापुर से। अगला है आपका, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था, मैं क्या कर रहा है कि नवपाषाण काल में जो मनुष्य थे या मानव थे कहाँ रहते थे, किसकी बात करें, नवपाषाण काल की करें भी ध्यान देना है, बस्तियों में, जंगल में, शहरों में या पहाड़ों पर। तो नवपाषाण काल का मानव कहाँ रहता था, तो चलिए कमेंट आप लोग करते रहिए फटाफट। और हाँ, उनको 35 क्वेश्चन में से बताना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन हो रहा है, कितना सही रहा, किस प्रकार की तैयारी है, कितने पानी में, जरूर आप कमेंट करके आप साथियों बताइए। तो 34 नंबर पर देखें, यहाँ 34 नंबर के एक बार फिर हम पीजीटी आर्ट का जो नया सिलेबस है एक बार फिर से स्टार्ट कर दिए साथियों पुनः, तो आप लोग देखना भूलिए, जरूर वीडियो को देखिए, जो नए व्यूवर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, ताकि हमारा वीडियो तक पहुंचता रहेगा। 34 नंबर पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ बस्तियों में, नवपाषाण की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, बस्ती में, नवपाषाण का अंदर मनुष्य जुधान दोनों काफ़ी कुछ सीख गए थे। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है, ये जो होशंगाबाद है साथियों कह रहा है कि किस नदी के किनारे बसा है, नर्मदा नदी है, कावेरी नदी है, यमुना है या गंगा है, तो होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो बताइए इसमें कमेंट करिए साथियों 35 नंबर। और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा 35 नंबर में, ये जो होगा आपका नर्मदा नदी के किनारे कहाँ बसा है साथियों, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद बसा है। तो वीडियो जैसा हो तो वीडियो को आप कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, नए व्यूवर्स वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, और बेल आइकन का घंटी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो नया क्लास स्टार्ट किया गया, नया बैच स्टार्ट किया गया, वो आप लोग तक पहुंचता रहे साथियों। तो चलते हैं इसका जो 35 क्वेश्चन हो गया प्रत्येक चित्रकला का, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो इसके पहले का जो वीडियो है साथियों जो नहीं देखे हैं वो भाइयों बहनों से निवेदन है, वीडियो को जरूर से जरूर देखें, तभी आगे का क्लास उनको समझ आएगा। तो चलते हैं इसका जो 35 क्वेश्चन जो बचा है, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।